সবার মাধ্যম তাদের জন্য বলবেন চন্দন চ্যাটার্জি, উনি মুসলিম অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। आज 1.5 साल से हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, हम लोगों का जायज वेतन मांग के लिए, जो सारा देश भर में टीचर लोगों को मिलता है वही जायज वेतन हम बंगाल के टीचर लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों को उसी योग्यता मांग के अनुसार हम लोगों को वेतन दिया जाए। इस दौरान हम जब 24 तारीख को जब आसमनी में हम लोग विक्षोभ प्रदर्शन किए थे तो पुलिस के द्वारा हम लोगों के ऊपर पानी का कमान जो रहता है उससे हम लोगों के ऊपर टॉर्चर किया गया, पुलिस के द्वारा हम लोगों के कुछ टीचर एसोल्ट हुए, कुछ टीचर हॉस्पिटलाइज हुए, अभी तक हम लोगों के पास डॉक्टर सर्टिफिकेट भी है जो बुरी तरह घायल हुए हैं पुलिस के द्वारा। तो इस जो हम लोगों का जायज मांग है उस दिन शिक्षा मंत्री ने भी मांग मान लिया है कि हम लोगों का वेतन का जो मांग है वो नाजायज नहीं, वो जायज मांग है। उन्होंने बोला है कि आप लोगों का जो भेदभाव है वेतन का कि हम अगले टाइम हम ईद पूरा कर लेंगे, लेकिन भेदभाव का क्या, हम लोगों का जो डिमांड है वो डिमांड है हम लोगों का सारा भारतवर्ष में जो वेतन टीचरों को मिल रहा है हम लोगों को भी वही दिया जाए। उन्होंने मद्रासा टीचर जो है उनके साथ भेदभाव का दूरीकरण करने के बात किया है, लेकिन हम लोग वो नहीं मानेंगे। भारतवर्ष का टीचर लोगों का पूरा ऑल इंडिया बेसिस पे जो वेतन मिलता है हम लोगों का वही मांग है। और सबसे पहले हम लोगों का यही मांग है इस आंदोलन के दौरान नाजायज तरीके से जिन 14 टीचरों को जिला के बाहर ट्रांसफर किया गया है उन लोगों को पहले लौटाया जाए, अगर उन लोगों को नहीं लौटाया गया तो हम लोगों का आंदोलन पूरे तरह से चलता रहेगा। अगले 12 जुलाई को इसी वेतन मांग के और 14 टीचर जो जिला के बाहर ट्रांसफर हुआ है उन लोगों को लौटाने के लिए हम लोग 12 जुलाई करुणामयी बस स्टैंड के वहाँ उन्नयन भवन के सामने निरंतर धरना लगाएंगे। अगर सरकार ने हम लोगों का मांग नहीं पूरा किया तो हम लोग वहीं पे धरना अवस्थान में बैठे रहेंगे जब तक सरकार हम लोगों का मांग पूरा नहीं करता। और 14 टीचरों को अपने स्कूल में पास लौटाया नहीं जाएगा तब तक हम लोगों का ये आंदोलन पूरा पश्चिम बंगाल का 24 तारीख को हम लोगों ने देखे थे कि पश्चिम बंगाल का पूरा 70,000 से ऊपर टीचर राजमनी में जमाए हुआ था। अगले दिन 12 जुलाई को 1 लाख के ऊपर विश्व के इतिहास में इंडिया के इतिहास में ऐसा बड़ा शिक्षक विद्रोह बंगाल कभी नहीं देखा होगा। अगर अभी तक सरकार ने इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं किया तो 12 जुलाई को पूरा कलकत्ता सहित पूरा बंगाल सहित पूरा भारतवर्ष देखेगा कि शिक्षक विद्रोह किसे कहते हैं। हम लोगों का मांग यही है कि तुरंत 14 टीचरों को अपने स्कूल में लौटाए और हम लोगों का जो डिमांड है सर्वभारतीय वेतन का वो हमको प्रदान किया जाए। ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहते हैं, संबंधित दोस्तों को फिर से वेलकम। और आप लोगों का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन हम लोगों का अभी आप लोग चालू कीजिए, हम लोगों का सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट है, आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का उत्तर हम लोग आप लोगों को देता रहेगा। धन्यवाद।